नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, चल रही हूँ, एक रेसिपी बनाती हूँ जो कल मैं तालाब से लेकर आई हूँ। वो तालाब के ही पास होता है, तो इस टाइम पानी बहुत भरा हुआ था दोस्तों, नहीं तो शूट करके वहाँ दिखाती कि किस तरह उसका पौधा था। तो वो नारी का साग बोला जाता है हमारे यहाँ, उसको केरमुआ बोलते हैं दोस्तों। तो मैं लाई हूँ, थोड़ा सा ही लाई हूँ, तो चल रही हूँ मैं उसका साग बनाती हूँ। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। पीछे पीछे अंजलि आ गई है, आप देख सकते हैं लगी रहती है पीछे पीछे। हाय कर दो, टाटा कर दो। हाय तो अंजलि दोस्तों आ सकते, टाटा कर रही है। तो दोस्तों, यही साग है, ये नारी का साग बोला जाता है, इसको केरमुआ बोलते हैं। तो यही हम लाए थे दोस्तों, देख सकते हैं थोड़ा ही मिला है, काफी पानी भरा हुआ था। तो दोस्तों, चलते हैं इसको काट लेते हैं, साफ से धुल लिया था पहले ही, तो काट ले रहे हैं इसको। हसिया से काट रहे हैं दोस्तों, तो इसको ज्यादा बारीक नहीं काट पाएंगे दोस्तों। हमने पतीला लिया है तो उसी में साग रख रहे हैं। इसमें आसानी तरह से पहले इसको उबाल लेते हैं, तो ये आसानी से पक जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। को ढक दे रहे हैं दोस्तों, नारी का साग जो होता है तो इसका डंठल बहुत ये कड़क रहता है, तो ये इसमें उबालने से उसके बाद में इसका तड़का लगाने से बहुत अच्छा बनेगा। तो उबाल लेते हैं, साग थोड़ा उबल गया है। अब इसमें इसी के हिसाब से थोड़ा ही नमक डालेंगे, क्योंकि थोड़ा ही साग है तो इससे क्या होगा, जल्दी से साग गल जाएगा अच्छी तरह से। तो चला देते हैं अब इसको हम, तो चेक कर लेते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो अभी पका नहीं है, अभी इसमें पानी है थोड़ा, देख सकते हैं। अब इसको पानी को पहले खत्म हो जाए थोड़ा, फिर मैं। तो साग पक चुका है दोस्तों, उबल चुका है दोस्तों। ये हमने लहसुन लिया है, आप देख सकते हैं गांव में इसी तरह लहसुन को ऐसे बांध के रखते हैं, एक इतना इतना सारा। तो अभी इसका पौधा सूखा सूखा और लहसुन इसमें लगा हुआ है, तो अब इसको हम छील लेते हैं दोस्तों। हमने साबुत धनिया लिया है और ये दो लाल मिर्च लिया है, तो अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो हमने मिर्च और धनिया थोड़ा ही लिया है दोस्तों, क्योंकि इसमें साग थोड़ा ही है। धनिया और ये साबुत मिर्च को निकाल लेते हैं, भून उठा है तो इसी तरह निकाल लेते हैं सभी को। देखते हैं दोस्तों, साग को हमने उबाल लिया है अच्छी तरह से, और इसी तरह करछुल के सहायता से हम इसको ऐसे, जो इसका डंठल होता है तो ये साबुत ही रह जाता है, तो इसी तरह करछुल के सहायता से हम इसको इसी तरह से, तो डंठल सही से इसका ऐसे पीस जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो इसी तरह हम इसको अच्छी तरह से, ही हरा मिर्चा लिया था और थोड़ा ही लहसुन लिया है, काट लिया है, अब इसको तड़का लगाएंगे। अब हम साग को इसमें तावे में डाल देते हैं। हमने मिर्ची को धनिया को दरदरा ही पीसा था, अब इसको भी डाल देते हैं। और कभी भी साग बनाना चाहिए तो ये तावे में ही तड़का लगाना चाहिए, या लोहे की कढ़ाई हो तो साग और अच्छा बनता है। तो अब मैं साग को तड़का लगा दिया, साग बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना ये साग आपको कैसा लगा। बिल्कुल मैं अपने गांव के ही तरीके से बनाती हूँ दोस्तों, जो भी रेसिपी बनाती हूँ जो गांव में बनाया जाता है उसी तरह मैं बनाती हूँ।
और मैं गैस को बंद कर देती हूँ। तो दोस्तों तावे से हम निकाल लेते हैं सांप को, और लोहे के बर्तन में छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों, कोई भी रेसिपी बनाए या सब्जी कुछ भी, और छोड़ देने से खराब हो जाता है। तो हम निकाल लेते हैं अब दोस्तों। ये नारियल का साग जो करमुआ बोला जाता है बनके तैयार हो गया है दोस्तों, और इसका पकौड़ी भी बनता है दोस्तों, और बहुत अच्छा बनता है। तो मैं उसको भी कभी बना के आप सबको दिखाऊंगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।